सो है गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम डूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो चैप्टर हम लोग ने कम्प्लीट कर चुका है लगभग लगभग उसका हम आज एन सी आर टी में जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन हैं वो सब डिस्कस करेंगे मतलब समझेंगे एक एक करके और ये चैप्टर कम्प्लीटेड है पाँच वीडियो पार्ट्स में तो अगर आपको उस चैप्टर के लिंक्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे वो आप चैप्टर वहाँ से पढ़ सकते हैं वहाँ पर पूरा एन सी आर टी रीड करके एक्सप्लेन कराया गया है तो चलिए आज हम लोग हम इसका एग्जाम्पल्स क्वेश्चन डिस्कस करने आए हैं चलिए हम लोग सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगर आपका कमेंट में रहा अगर आपको इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का भी चाहिए होगा एक्सप्लेनेशन तो कमेंट करिएगा उसका भी वीडियो मिल जाएगा और इसमें कोई भी पैराग्राफ अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो उसको भी कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग जो भी आपका कमेंट रहेगा उस पर हम एक्शन लेंगे अपने सारे प्रॉब्लम और कमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पे आया हमारा एग्जाम्पल लेवन पॉइंट वन मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी सिक्स इंटू टेन पावर फोर्टीन हर्ट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन है सिक्स इंटू टेन टू द पावर फोर्टीन द पावर एमिटेड इज टू इंटू टेन पावर माइनस थ्री वॉट तो पावर भी गिवन है तो इसमें पूछ क्या रहा है वाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम तो एनर्जी पूछ रहा है और सेकेंड क्वेश्चन हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाई द सोर्स और सेकेंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ फ़ोटोन्स पूछ रहा है तो दोनों क्वेश्चन एकदम सिंपल है हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं तो हम लोग को पता है ई e का फार्मूला क्या होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू और एक और फार्मूला क्या होता है एच सी अपॉन लैमडा तो यहाँ से हम लोग एच म्यू फार्मूला लगा देंगे तो ऐसे एनर्जी ऑफ ईच फोटोन आ जाएगा तो ए पार्ट तो यहाँ से आ जाएगा और बी पार्ट है इफ़ एन इज़ द नंबर ऑफ़ फोटोन्स एमिटेड बाई द सोर्स पर सेकेंड अगर एन नंबर ऑफ़ फोटोन्स इसमें एन को मान लिया गया है कि वो पर सेकेंड इतना आ रहा है तो पावर ट्रांसमिटेड इन बीम इक्वल्स टू एन टाइम्स द एनर्जी पर फोटोन हाँ तो पावर क्या हो जाएगा पावर होता है पावर हो जाएगा एन एनर्जी मतलब टोटल जो पावर होगा वो एन uh, अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है तो वो जितना एनर्जी देगा वही उसका पावर होगा लेकिन अगर दस इलेक्ट्रॉन है वो सेम एनर्जी दे रहा है तो पावर को एनर्जी को दस से गुना कर देंगे पावर निकालने के लिए तो यहाँ से आएगा फार्मूला पावर इज इक्वल्स टू एन ई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी बाई e. तो यहाँ से आ जाएगा इतने फोटॉन्स पर सेकेंड नेक्स्ट इज एग्जाम्पल एवन पॉइंट टू द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज टू पॉइंट वन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया मतलब फाइन ऑट फाइंड द थ्री शोर फ्रिक्वेंसी फॉर सीजियम सीजियम को थ्री शोर फ्रिक्वेंसी निकालना है द वेवल्थ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटो करंट इज ब्राउड टू जीरो बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं तो ए में क्या है फॉर द कट ऑफ और थ्री शोर फ्रिक्वेंसी तो कैसे निकलता है ई इज इक्ल्स टू एच म्यू हम लोग पढ़े हैं और थ्री शोर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला एच uh, थ्री शोल्ड थ्री शोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एच और थ्री शोल्ड फ्रिक्वेंसी एच म्यू नॉट तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल्स टू साइन साइ नॉट अपॉन एच तो यहाँ पे फाई का वैल्यू गिवन था और एच से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री शोल्ड फ्रिक्वेंसी Thus, for frequencies less than this threshold frequency, no photoelectrons are ejected. और threshold frequency हम लोग ने पढ़ा था कि वो minimum frequency होता है जिस पे electrons emit हो जाए. अगर उससे कम frequency अगर हम लोग देंगे तो electrons emit नहीं होंगे. B part में क्या पूछ रहा है? The wavelength of incident light, if photo current is brought to zero, by stopping potential of zero point six V not तो stopping potential कितना दिया है? जीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट तो यहाँ पे है फोटो फोटोकरेंट रेड्यूसेस टू जीरो वेन मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स द पोटेंशियल एनर्जी ई वी नॉट बाई रिटार्डिंग पोटेंशियल वी नॉट आइंस्टाइन इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच मू माइनस फाइन नॉट तो इसको एक्सप्लेन एक बार करते हैं अच्छे से तो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि ऐसा वेवलिन बताओ जो फोटो फोटोकरेंट को जी ज़ीरो पे ले आए स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो कि है ज़ीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट मतलब फोटो फ़ोटोकरेंट जो निकल रहा है उसका वेलोसिटी या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं मतलब उसका वेलोसिटी जीरो पे आ जाए या फिर हाँ उसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग कह सकते हैं ज़ीरो हो जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा जो कि है ज़ीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट तो हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा था ई वी नाट तो ई वी नाट इसका हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी और इसको ज़ीरो पे लाना है तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू एनर्जी फाइनल तो इनिशियल क्या है ई वी नाट एलेक्ट्रॉन के पास और उसको ज़ीरो पे लाना है तो ई वी नाट से हम लोग को ज़ीरो पे ले जाना है तो माइनस जीरो तो ये इनिशियल एनर्जी हुआ फाइनल एनर्जी क्या है एच म्यू मतलब जितना उसको हम लोग दिए फ्रीक्वेंसी मान लेते म्यू फ्रीक्वेंसी दिए हम लोग और उसमें से थ्री शोल्ड माइनस कर देंगे माइनस क्यों करेंगे क्योंकि थ्री शोल्ड तो उसको लग जाएगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में तो फिर यहाँ से ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे और इसको हम लोग आइंस्टाइन अगर इतना आपको नहीं समझ में आ रहा तो सीधे यहाँ पर आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन लग रहा है ऐसे बोल के हम लोग लगा सकते हैं तो यहाँ से फिर एच म्यू के जगह एच सी अपन लैमडा लिख देंगे और यहाँ पे लैमडा अन हो जाएगा बाकी सब नोन तो लैमडा का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा 454 नैनोमीटर तो इसको एक बार और फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ शायद नहीं आया हो तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली मान लीजिए कि एक मेटल है ठीक और इस मेटल पे हम लोग फोटोन्स गिराते हैं जिसका मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी है म्यू ठीक है तो यहाँ से जब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इजेक्ट होगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए या फिर उसको सिंपल हम लोग बोलते हैं उसके पास कुछ एनर्जी होना चाहिए वह एनर्जी कितना होगा एच म्यू जो फ़ोटोन लेके आया था वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा लेकिन मेटल में कितना एनर्जी होता है फाइनॉट जो थ्री एनर्जी होता है तो फाइनॉट मतलब जो फाइनॉट होगा वो तो ले जाएगा इलेक्ट्रॉन अब जब ये निकलेगा तो निकलते समय इसके पास कितना एनर्जी बचेगा एच म्यू जो टोटल एनर्जी इसको मिला गया था और फाइनऑट जो रख लिया इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास माइनस फाइन ऑट तो निकलते समय इसके पास ये एनर्जी बचेगा और ये किसके बराबर होना चाहिए ई वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर यही यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था तो होप अब आप लोगों को कुछ कुछ क्लैरिटी आ गई होगी नेक्स्ट जब हम लोग का एग्जाम्पल लेवन पॉइंट थ्री तो इसमें देखते हैं क्या है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट थ्री नाइन्टी नानोमीटर फॉर वायलेट कलर फाइव फिफ्टी नानोमीटर फॉर येल्लो ग्रीन कलर एंड अबाउट सेवन सिक्सटी नानोमीटर फॉर रेड कलर तो ये पूरा वेवलेंथ दिया है इन्फॉर्मेशन वाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट वॉयलेट एंड एवरेज वेव लेंथ येल्लो ग्रीन कलर एंड रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम तो इसमें पहले ए पार्ट देखते हैं तो ए पार्ट में कुछ नहीं एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है एच सी अपॉन लैमडा हम लोग इतना पढ़े एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैमडा तीन यहाँ पर लैमडा का वैल्यू गिवन है और यहाँ पे एनर एनर्जी पूछ रहा है वाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन तो बस आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे लगा देना है ई इज़ इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैमडा फिर येलो ग्रीन लाइट के लिए भी लगा देना है ई इज़ इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैमडा और इसके लिए भी लगा देना e Hc तो है ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैमडा तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था फार्मूला बेस्ड नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम विच ऑफ द फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स विथ वर्क a, लिस्टेड इन टेबल कैन यू device that operates with visible लाइट तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है इसमें टेबल का यूज है तो टेबल हम लोग देखते हैं एक बार इलेवन पॉइंट वन है कहाँ है अपना टेबल टेबल Hmm. तो ये रहा टेबल एलेवन पॉइंट वन इतना ऊपर गिवेन है तो इसमें पूरा मतलब वर्क फंक्शन इसका दिया है मेटल का और उसके हिसाब से ये दिया है तो बोल रहा है कि अगर हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाना जो विजिबल रीजन के साथ खेल पाए तो इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम थ्योरेटिकल तो इसका सॉल्यूशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है फॉर अ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस टू ऑपरेट वी रिक्वायर इंसिडेंट लाइट एनर्जी ई टू बी इक्वल और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फाइन ऑट हाँ तो हम लोग को ऐसा एक डिवाइस चाहिए जिसमें वी रिक्वायर इंसिडेंट लाइट एनर्जी ई मतलब जो ई e यहाँ पे हम लोग गिरा रहे हैं एनर्जी वो फाइन ऑट के इक्वल हो या उससे बड़ा हो तो वही ग्रेटर देन वर्क क्योंकि अगर ये मान लेते फाइनॉट से सही छोटा हो गया तो ये ई देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कोई इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं अगर हम लोग ने इसका चैप्टर में पढ़ाई भी किया था कि अगर ये फाइनॉट के बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा अगर ये फाइनॉट से बड़ा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी और तेज़ निकलेगा मतलब एनर्जी ले कर वो निकलेगा तो बाहर भी उसके पास एनर्जी रह जाएगा तो वहीं पे लिखा है ई इज़ टू बी इक्वल और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होना चाहिए थर्स फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस विल ऑपरेट विथ वॉयलेट लाइट विथ ईज टू थ्री 3.19 वन नाइन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एन ए जिसका होता है फाइन ऑट इतना तो यहाँ पे E यहाँ पे इतना गिवन है तो उसके हिसाब से एक मेटल हम लोग ढूंढ लिए एन ए होना चाहिए के का फाइन ऑट इतना गिवन है और सी एस का सी सी एम का फाइन ऑट इतना गिवन है मतलब ये सबसे ये ऑपरेट कर सकता है इट विल ऑल्सो ऑपरेट विथ येल्लो ग्रीन लाइट येल्लो ग्रीन लाइट से भी ये सब ऑपरेट करेगा cesium, cesium ओनली मतलब येल्लो ग्रीन लाइट cesium से ही करेगा However, एवर इट विल नॉट ऑपरेट विद रेड लाइट रेड लाइट से नहीं करेगा फॉर एनी ऑफ दिस फोटो मतलब रेड लाइट का यहाँ पे ई यह जो है वो बहुत ज़्यादा ही कम है उतना फाइन ऑट का यहाँ पे मेटल मिला ही नहीं तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल

यहां पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एच सी अपॉन लैमडा ये क्या होता है एनर्जी तो यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ई e को क्या लिख सकते हैं हम लोग एमसी स्क्वायर और एक सी एक सी कट जाएगा तो बच जाएगा फिर एम सी तो एम सी इज़ इक्ल्स टू एच बाई लैमडा तो एम सी के जगह हम लोग वी लिख देते हैं क्योंकि वो भी तो स्पीड ही है तो एम वी इज इक्ल्स टू एच अपॉन लैमडा और एम वी क्या होता है अपना मोमेंटम तो मोमेंटम इज ल्स टू एच अपॉन लैमडा तो मोमेंटम इज ल्स टू एच अपॉन लैमडा तो मैंने यहाँ पे बैठे बैठे इसको डिराइव कर दिया तो यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है लैमडा इज इक्ल्स टू एच अपॉन पी तो यहाँ निकालना ये इजी क्वेश्चन था तो मास गिवन है वेलोसिटी गिवन है तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा इतना और यहाँ पे बॉल का कितना हो जाएगा इतना अब ये क्वेश्चन एन में क्यों गिवन है उसका एक सिग्निफिकेंट कारण है यहाँ पे देखें तो लैमडा का वैल्यू है इतना इलेक्ट्रॉन के केस में और बॉल के केस में लैमडा का वैल्यू बहुत छोटा है बहुत छोटा तो यहाँ पे देने का यही कारण था कि कंपेरेबल नहीं है मतलब हम लोग को इसीलिए तो इसीलिए यहाँ पर जो बॉल होता है वो अपना वेव नेचर शो नहीं करता है मतलब हम लोग को नेकेड आइस उस, उस, उसको हम लोग वेव जैसा नहीं देखते पार्टिकल जैसा देखते हैं क्योंकि उसका वेवलेंस बहुत कम होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव जैसा हम लोग देख सकते हैं द डीप्रॉगली वेवलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कम्पेरेबल विथ एक्स रे वेवलेंस हाउ एवर फॉर द बॉल इट इज़ अबाउट टू पावर माइनस नाइनटीन टाइम्स द साइज़ ऑफ द प्रोटोन क्वाइट बियॉन्ड एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग so, का एलेवन पॉइंट फाइव एन इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटोन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी विच ऑफ दिस पार्टिकल्स है शॉर्टेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है मतलब लैमडा का फार्मूला कैनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या था लैमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ठीक तो यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का सेम काइनेटिक एनर्जी है मतलब के कांस्टेंट है यहाँ पे एम वैरी करेगा तो यहाँ पे लैमडा किसके प्रोपोर्शनल हो गया वन अपॉन अंडर रूट एम के बाकी सब कांस्टेंट है एच कांस्टेंट है के कांस्टेंट है टू कांस्टेंट है तो लैमडा किसके प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट वन अपॉन अंडर रूट एम अब मास किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है उस पर डिपेंड करता है लैमडा तो फॉर द सेम कैनिटिक एनर्जी द डी ब्रोग्लीवलिन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मासिज अ प्रोटोन इज एटी वन एट थ्री सिक्स टाइम्स मैसिव दैन एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल फोर टाइम्स दैट ऑफ प्रोटोन तो अल्फ़ा पार्टिकल है शॉर्टेस्ट डी ब्रोग्लीवलन क्योंकि वो सबसे भारी है तो जो सबसे भारी होगा उसका डी ब्रोग्लीवेलन सब उतना ही कम होगा अब इसको हम लोग ऐसे भी इमेजिन कर सकते थे कि वहाँ पे बॉल था और एक इलेक्ट्रॉन था पिछले एग्जांपल में तो बॉल का वेवलेंथ बहुत कम आया था क्यों और इलेक्ट्रॉन का उससे ज़्यादा क्योंकि बॉल भारी होता है मतलब जो ज़्यादा भारी होगा वो उसका वेवलेंथ कम होगा तो अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा भारी होता है इसीलिए उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसके बाद प्रोटोन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन तो मतलब सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा इलेक्ट्रॉन का नेक्स्ट अब हम लोग का एग्ज़ाम्पल है एग्जाम्पल एलेवन पॉइंट सिक्स अ पार्टिकल इज़ मूविंग थ्री टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से तीन गुना तेजी से मूव कर रहा है द रेशियो ऑफ द डीप ब्रॉगली वेवलियन द पार्टिकल टू डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वन पॉइंट एट वन थ्री ट्रेन पर माइनस फोर कैलकुलेट पार्टिकल्स मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल तो इसमें यही फॉर्मूला रहेगा पी इज इक्वल्स टू एच एच अपॉन लैमडा वाला तो यहाँ पर पूरा कंपेरिजन होगा तो मास एम फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे निकालेंगे एम ई इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैमडा ई इं वी पी को लिख दे यहाँ पे एम ई एम वी तो यहाँ से लैमडा अपॉन लैमडा ई का वैल्यू आ गया इतना और मास ऑफ पार्टिकल एम मान लिया गया तो उसका पूरा यहाँ पे फार्मूला निकाला गया यहाँ से डिराइव हो गया तो उसके बाद कैलकुलेट ही कर लेते हैं साइड में तो यहाँ पे क्या है अ पार्टिकल इज़ मूविंग थ्री टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन तो मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है वी तो पार्टिकल कितना हो जाएगा थ्री वी और वेवलिन पार्टिकल टू लैम्डा ऑफ पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ ई का रेशियो गिवन है तो अब इसको सबको रिलेट करना है हम लोग को सिंपली तो एक इक्वेशन तो ये गिवन है सेकेंड इक्वेशन हम लोग यहाँ से निकालते हैं इस इंफॉर्मेशन से तो लैमडा ई हो जाएगा अब हम लोग का एच अपॉन एम ई इंटू वी ई क्या है इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी ऑफ इलेक्ट्रॉन और लैमडा पी कितना हो जाएगा पार्टिकल का एच अपॉन एम पी इंटू वी पी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं थ्री इंटू वी ई ये क्वेश्चन में गिवन है सिंपल अब करना कुछ नहीं है जो पहले मैंने इक्वेशन लिखा था और ये जो इक्वेशन लिखा है दोनों को डिवाइड कर दो तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एच एच उसमें उसमें कट जाएगा तो आ जाएगा लैमडा ई बाई लैमडा पी इज इक्वल्स टू क्या था लैमडा ई e बराबर था एच अपॉन एम ई तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे एम ई वी ई और लैमडा पी के सामने क्या था एम पी थ्री वी ई और यहाँ पे वी ई -E वी ई -E कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा लैमडा ई बाई लैमडा पी इज इक्वल्स टू लैमडा ई बाई लैमडा पी इज इक्वल्स टू थ्री एम पी अपॉन एम ई एम ई हम लोग जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यही चीज एम पी अपन एम ई जो यहाँ पे रेशियो है एम पी अपन एम ई ये था लैमडा पी अपन लैमडा ई लैमडा ई अपॉन लैमडा पी तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वन पॉइंट एट इंटू टेन पावर माइनस फोर करके तो वन पॉइंट एट इंटर माइनस माइनस फोर ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे एम ई का यहाँ पर रखेंगे तो एम पी आ जाएगा तो यही यहाँ पे सिंपल चीज़ किया है सिंपल ये क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट इलेवन पॉइंट सेवन वॉट इज द डी ब्रॉवली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हंड्रेड वोल्ट्स तो वेवलेंथ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का जिसको हम लोग एक्सलरेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस हंड्रेड वोल्ट का वोल्ट से तो इसका फार्मूला सिंपल से हम लोग पढ़े थे लैमडा इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू टू सेवन अपॉन रूट वी या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू वन फिफ्टी अपॉन वी ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग में यहाँ पर नैनोमीटर में ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग में तो फिर यहाँ से आ जाएगा नैनोमीटर में इसका फार्मूला यहाँ पे वी गिवन है बस ये तो सिंपल क्वेश्चन था तो इसी के साथ हम लोग का पूरा एग्जाम्पल कवर हो गया अब आप लोग को इस चैप्टर से कोई भी पैराग्राफ डाउट हो तो वो कमेंट करें पेज नंबर के साथ और अगर आपको कोई और क्वेश्चन एक्सरसाइज का चाहिए उसका वीडियो मतलब एक्सप्लेनेशन तो वो कमेंट करें मतलब जो आपको और और भी किसी चैप्टर का फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर चाहिए तो सब कमेंट कर सकते हैं अपना मतलब जो भी आपको ज़रूरत हो वो कुछ भी कमेंट कर सकते उस पर एक्शन लिया जाएगा तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में सी यू सुन बाय